सिटी भोपाल है। हम सुबह गए थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ हमने देखा है अवन ने लगाया है कोविड वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। तो अभी पैंडेमिक चल रहा है तो वैक्सीनेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अब जिनका पहला डोज है लगाना है तो उनका चलेगा, चलो एक हफ्ते के बताएगा, पाँच दिन के बाद आएगा तो चल सकता है। लेकिन जिनका सेकेंड डोज आज है, उनमें मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा पैंडेमिक हो रहे हैं, वो कहते पता नहीं आज नहीं हुआ, अब दो दिन के बाद होगा या पाँच दिन के बाद होगा। तो इसमें मैं एक बात बोलता हूँ आपको आम शहरी की हैसियत से कि इनको जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये लेना चाहिए इसमें कि फॉरवर्ड करके मैसेज कि वैक्सीनेशन यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे गांदरबल में इनके पास वेंटिलेटर्स है, लेकिन आज से एक महीने पहले या दो महीने पहले कोविड पॉजिटिव केसेस जो थे वो लिमिट में आ रहे थे। लेकिन अब जो है, अभी दिन के अगर 10 टेस्ट होते हैं या 15 टेस्ट या जितने भी टेस्ट होते हैं, मैक्सिमम टेस्ट जो है पॉजिटिव आते हैं, और में से इतने पेशेंट ज़्यादा होते हैं जिनका निमोनिया होता है या जिनका ऑक्सीजन जल्दी ड्रॉप हो जाता है, तो उनके लिए वेंटिलेटर्स अभी ज़रूरी है। तो इनको चाहिए कि अगर इनके पास वेंटिलेटर कुछ भी है, लेकिन अभी नीड है, इनको चाहिए प्लस वेंटिलेटर्स वहाँ पर रखें ताकि पेशेंट जो है वो सफ़र ना हो। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है, मैक्सिमम ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स। तो जो वेंटिलेटर का ये है वो लास्ट रिजॉर्ट है। वेंटिलेटर हम तब पेशेंट को चढ़ाते हैं जब हमें हर कोई होप खत्म हो जाती है, तब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर चढ़ाते हैं। जो हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन जैसे सबको पता है अभी हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट सिर्फ वेंटिलेटर को पेशेंट को चढ़ाने के लिए, पेशेंट को पैरालाइज करना पड़ता है, उनके लंग्स को एक किस्म से पैरालाइज करना पड़ता है। तो ये आसान नहीं है, ये तब हो सकता है जब एक एस्टैब्लिश्ड आईसीयू यूनिट हो जिसमें एस्टैब्लिश्ड हमारे नर्सेज हों, जो डेडिकेटेड आईसीयू, जो ट्रेन्ड आईसीयू नर्सेज हों, हमारे एनेस्थेटिस्ट हों, फिजिशियंस हों, जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जितना हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम हम दे रहे हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो हमने बना रखा है इस वक्त, जिसमें पेशेंट्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम बाकी चीज़ें देख के कोशिश कर रहे हैं हम उससे हमारा ये पेशेंट्स को ठीक करें।